सरकार जब बनी थी, जब पूरे देश भर में पंचायतें हुई, हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे जैसे उस टाइम पे करी। सारा देश आज तैयार है, उसकी गिरफ्तारी पहले है, सरकार बातचीत से रास्ता निकाल ले या नहीं बातचीत करके उनकी गिरफ्तारी कर ले, ये हमारे मेन मसले हैं। और यही पूरा कल का भी यही फैसला था, आज भी, आज हरियाणा वाले लोगों ने भी कोई वो नहीं करा, और उन्होंने कहा कि जो कल का फैसला है उसी पे हम भी सब लोग सहमत हैं। सब लोगों की सहमति से ये होगा कि आंदोलन के आगे की तैयारी हमको करनी है, क्योंकि 11 तारीख की भी बड़ी पंचायत शामली में है, फिर 15, 16, 17 और 18 चार दिन हरिद्वार में बड़ी पंचायत रहेगी, और उसके बाद में भी अगर नहीं कुछ होता तो पूरे देश भर में पंचायतें चलती रहेगी। और ज्ञापन तब तो रहेंगे जो और इनके नेता हैं, जब तक वो भी आ जाए, इनके नेताओं को भी सवाल जवाब ये जनता करती रहेगी। जब ये गांव में आएंगे इनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई उस वाले केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें उसके बाद में तय होकर चल जाएगी। आंदोलन जो भी होगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें। हाँ वो तो है, वो तो केस में ही जो यार मोबाइल चेक कर यार, क्या यार, वो तो पहली प्राथमिकता है कि हमें भी सरकार के रुख का पता चल जाए कि सरकार ठीक है, उनसे केस वापसी ले, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसकी गिरफ्तारी दो जीते हैं और नहीं तो 9 तारीख से आंदोलन आप अपने तरीके से चलाएंगे। आधार उस टाइम पे भी सरकार जब कभी थी